तो भाई सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो बिगिनर्स हो, अपकमिंग इंजीनियर हो, फ्रेशरर हो, तो देखो एक बोर्ड आया है घूम फिर के, कहाँ से पता नहीं, ये कहाँ से सर्विस हुआ था पता नहीं। तो देखो ये बंदे ने क्या डाला है बोर्ड में, मतलब ब्रिज पे पहले हिट किया, ये सारा जगह पे, मतलब ये जो है ये कोई अच्छा सा पेस्ट, मतलब फ्लक्स नहीं है, जो हार्डवेयर के शॉप में मिलता है वो रोजोन होता है वो है, मतलब देख सकते हो, ये देखो हालत देखो, पहले यहाँ पर हिट किया, सारा जगह पे फैला है, उसके बाद आयो पे किया, सारा जगह पे फैला है, उसके बाद PWIC पे किया है, तो देख सकते हो ये मोटा मोटा करके है, और ये बहुत, मतलब ये गलता भी नहीं है इतना, मतलब ये टाइट है, ठीक है, बहुत टाइट है, ये क्या पेस्ट है मुझे पता नहीं, पर और देखते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये जो शाटा पोर्ट है, शाबाश बेटा, शाटा पोर्ट के अंदर मतलब इतने अच्छी तरह से बोट के ऊपर हगा है इसने, मतलब पूरे बोट पर हग दिया है इसने, तो ये भाई आप अगर काम नहीं आता है आपको मत करो, रिटर्न कर दो, इससे क्या होगा आपका नाम खराब नहीं होगा, लेकिन आपको काम नहीं आता है पर आप क्या करोगे, पूरा बोट पे हगोगे तो जिंदगी भर वो कस्टमर आपके पास नहीं जाएगा, तो ऐसा ही कुछ है। ये बोर्ड मैं देख रहा था, इसका PCH शॉर्ट हो गया है, ठीक है, इतना पेस्ट इसके अंदर चला गया, तो ये बोर्ड अभी ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होके ऑफ हो रहा है, और इसका PCH अगर बाई फोर्स यहाँ पर ट्विजर लेके शॉर्ट करो तो PCH इसका इतना हीट हो रहा है कि यहाँ पर अंडा जो है वो ऑमलेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, तो एडवाइस बस उतना ही था। तो एक अच्छी एक वीडियो याद आ गया मुझे, जो सुबोध सर का था, कुछ दिन पहले उन्होंने डाला था, मतलब कुछ लोग हैं ना जो 100 रुपये में 150 रुपये में बोर्ड रिपेयर करके देता है, और भी कुछ कहा था, मैं उतना डिटेल्स में नहीं बोलूँगा, तो जो बंदा सिर्फ हीट करके बोर्ड रेडी करता है उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उनके पास 100 150 बहुत ज़्यादा है, और जो मतलब सीक्वेंस के ऊपर काम करता है वो अगर रिपेयर करे तो 500 चार्ज करे तो ठीक है। तो टॉपिक हमारा इस बोर्ड के लिए, इस बोर्ड के ऊपर नहीं है आज का टॉपिक, तो ए सबको मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, काम करो, नहीं हो रहा है हैंड ओवर कर दो या फिर रिटर्न कर दो, पर ऐसे हगो मत बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये तो टोटली हग चुका है बोर्ड, ये तो स्क्रैप भी मैं नहीं लूँगा, अगर ये सेल भी करेगा ये कस्टमर जिसका भी है, पर स्क्रैप भी मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसका कोई देख के ही मुझे लग रहा है कि फेंक दूँ, तो चलो इसके ऊपर ये छोड़ देते हैं। तो टॉपिक अच्छा, एक टॉपिक दिखाता हूँ, एक केस स्टडी ध्यान से देखो, ये है गीगाबाइट का B75M D3H, तो इसमें एक अननोन सा प्रॉब्लम है जो किसी के पास हुआ कि नहीं पता नहीं, तो मेरे हाथ में ये मैं पहले ही बोलूँगा ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आया नहीं है, पर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम देखो, अगर देखोगे तो सीख जाओगे, नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी बोर्ड आपके पास अगर इसी टाइप प्रॉब्लम के साथ आए तो आप इजीली फिक्स कर पाओगे। तो ये लगा दिया इसका बजर, और एक फैन भी लगाना है, ये देखो रैम तो डाला हुआ है ऑलरेडी, अभी देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये ऑन कर दिया, ये पावर दिया, ये देखो कोड लिया, ये देखो ये जब ए बी आता है मतलब डिस्प्ले आउट होना चाहिए, अब यहाँ पर बी पा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, अब इसे बंद करते हैं, ये रैम का बीप नहीं है, रैम हटा देते हैं, फिर से एक बार पावर देते हैं, अब देखो रैम का एरर है, ठीक है, तो अब रैम लगाते हैं, तो रैम लगा दिया,
ये रैम का एरर नहीं है, ध्यान से देख लो प्रॉब्लम को, क्योंकि काम करते हो इस फील्ड में हो तो ज़रूर आएगा, और इसी बोर्ड के साथ ही आएगा एक ना एक दिन, ठीक है। अलग बोर्ड भी हो सकता है पर सोल्यूशन एक ही होगा, कुछ कुछ बोर्ड में अलग हो जाएगा आर्किटेक्चर के हिसाब से, ठीक है। ये देखो ए बी मतलब डिस्प्ले आ चुका है, पर यहाँ पर बीप दे रहा है। अभी देखो कीबोर्ड में कनेक्ट करता हूँ तो डिस्प्ले बोर्ड में नहीं है, कीबोर्ड ये मैंने कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड मैंने ये देखो कीबोर्ड मैंने कनेक्ट कर दिया और बीप कंटिन्यूअसली हो रहा है। ये देखो कीबोर्ड पे अभी लाइन नहीं है, ये देखो कीबोर्ड पे लाइन नहीं है, और बीजीए पे भी मैं दिखा देता हूँ, बीजीए पे भी लाइन नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ है बीजीए? ये बीजीए कनेक्ट करता हूँ, ये देखो बीजीए मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखो बीजीए कनेक्ट कर दिया और यूएसबी भी लगाया है, पर डिस्प्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है, गॉन। और यहाँ पर कंटिन्यूअसली बीप हो रहा है, एक सेकेंड मैं स्टैंड पे डाल दूँ इसे, तो ऐसा बीप हो रहा है। तो अब आप लोग बताओ इसका सलूशन क्या हो सकता है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप रैम हटा दो तो रैम का एरर आता है, रैम डालो तो एक बीप ऑल टाइम होता है, ऑल टाइम एक एरर बीप आ रहा है, पर कीबोर्ड पे भी लाइन नहीं है, बीजीए पे भी लाइन नहीं है, पर आपका डिबग कार्ड आप जो भी डालो उसमें दिखा रहा है कि बोर्ड, मैंने भाई आपका बोर्ड में तो डिस्प्ले ला दिया। अभी देखो रैम का एरर आ रहा है, तो एक सेकेंड ये रैम चेंज कर देते हैं और एक स्लॉट में डालते हैं। तो अभी देखो ये देखो ये एक इरर कोड आ रहा है इसमें आपका, ये देखो कीबोर्ड तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये देखो कीबोर्ड पे कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है, और बीजीए पे भी नहीं आएगा, मॉनिटर पे भी मेरा कोई लाइन नहीं है। तो देखो ऐसा अगर प्रॉब्लम हुआ तो बेसिकली मैं बता दूँ क्या करना है, तो ये बोर्ड मतलब कैसे हुआ प्रॉब्लम नहीं, पर जहाँ पर चलता था वहाँ पर आर्थिंग नहीं था, जिसके कारण एसएमपीएस के वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद से ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। ओनर ओनर जो है बोर्ड का, उनका कहना है। तो देखो सिंपली ऐसा अगर हो रहा है, ए भी आ रहा है डिबग कार्ड पे आपका, तो ये डिबग कार्ड मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ और भी वीडियो, तो देखो सीखने के लिए बना रहा हूँ, नहीं देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, और जो काट कूट के वीडियो देखते हो, खुद को बड़ा इंजीनियर समझते हो, वो तो नहीं सीखेगा डेफिनेटली। ये देखो इस डिबग कार्ड में भी कोड है, देखो ये भी आ गया है, पर यहाँ पर देखो ऐसा आएगा। मान लो आपके पास वो यूनिवर्सल डिबग कार्ड नहीं है, पर ऐसा तो है, पर इसमें ये भी आएगा। मान लो आपने बजर नहीं लगाया, आपके पास बजर नहीं है, तो आप तो समझोगे कि भाई डिस्प्ले तो आ गया, पर बीजीए पे भी नहीं है, यूएसबी पे भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? रॉन्ग कोई डिसीजन मत लेना, कहीं पर भी हिट मत करो। ऐसा सिचुएशन हो तो आपका सीपीयू चेंज करोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, रैम चेंज करोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, अगर आप आईओ को क्लीन करोगे हिट करोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। पीसीएच पे तो भूल कर भी हिट मत करो, ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो। और आपके पास अगर ये वाला बजर है तो आपको तो पता ही चलेगा कि ऐसा अगर कंटिन्यू आवाज़ आ रहा है तो डिस्प्ले नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो देखो ऐसा बेसिकली प्रॉब्लम बायोस की वजह से होता है, मैं बता देता हूँ। बायोस का जो फाइल है, जो प्रोग्राम किया हुआ है, एमई बायोस, बायोस रीजन होता है जो, वो क्रप्टेड होने की वजह से ये होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये प्रॉब्लम अभी हम फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, साथ में ही बने रहो। तो हम इसका जो बायोस है, ये चिप को रीप्रोग्राम करेंगे एक बार, और उसे सिंपली लगाएंगे और देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम है ये जाता है कि नहीं। तो मैंने हटा दिया सब कुछ, बीजीए पे खोल देता हूँ, यूएसबी भी खोल देता हूँ, तो ऐसे कर लेता हूँ, और इसका जो बायोस है इसको मैं फटक से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो साथ में बने रहो। इसे हटा देता हूँ,
तो मैं भी ढूंढ रहा था इस प्रॉब्लम को, तो मैंने फर्स्ट टाइम बायस पे ध्यान नहीं दिया, मैं बोर्ड को इधर उधर से देख रहा था वोल्टेज सीक्वेंस को, क्योंकि आपको भाई काम करना है तो मेथड के ऊपर बेस करके काम करना होगा। आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा भी अगर नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप सीधा जाके हीट करोगे इधर उधर, तो हीट करने से ये काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी ये मैंने चिप को हटा लिया है, ये चिप ये रखता हूँ, और मैं पहले भी ट्राई करके देख रहा था, तो ये देखो ये एक चिप है, इसमें मैंने एक मेरे पास बायोस था वो डाला था, ठीक है। तो अभी मैंने वो चिप लगा के रखा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मुझे नया लगा, इसीलिए वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये चिप मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम करके रखा है, कि नहीं तो टाइम बस जाए, टाइम लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो पॉज करना पड़ेगा फिर से। तो ये चिप मैं डाल रहा हूँ, इसमें प्रोग्राम किया हुआ बायोस है। हो गया, तो क्या करेंगे अब हम, सॉरी ये जो मैंने सीमोस सेल है रिमूव नहीं किया था, अभी कर देता हूँ, इसे यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा शोल्डरिंग करना है, ठीक। तो ये मैं भी देख रहा था कि बायस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो अभी इसको थोड़ा सा शोल्डरिंग कर देंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। अच्छे से शोल्डरिंग कर दो, बेसिकली देखो मैं बायस अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर ऐसा क्रिटिकल केस हो जाता है तो वीडियो देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं ऐसे चक्कर में, उनके पास बजर भी नहीं है और है तो यूज़ भी नहीं करता है, तो क्या करेंगे वो लोग, वो डायरेक्टली जाके पीसीएच को पहले हिट कर देगा, क्योंकि वो समझेगा कि शायद पीसीएच से ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये भी तो इधर डिबग कार्ड में मुझे दिखा, कीबोर्ड पे भी लाइन नहीं है और बीजीए पे भी लाइन नहीं है। तो मैं फटक से, मेरे पास एसएमडी है ना, तो फटक से हिट कर देता हूँ पीसीएच को। तो पीसीएच को अगर पीसीएच को ना हिट करो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली बायोस रिलेटेड प्रॉब्लम है छोटा मोटा, तो इसके ऊपर वीडियो नहीं डालता मैं, फिर भी डाल रहा हूँ ताकि आप गलती से भी गलती मत करो, इसीलिए वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो हमने ये जो बोर्ड में जो चिप था उसके साथ जब प्रॉब्लम के साथ आया था, यही ये चिप, ये वाला चिप था, और ये चिप मैंने प्रोग्राम करके रखा था पहले से ही, तो इसे अभी क्लीन कर देंगे। क्लीन कर दिया और थोड़ा सा सफाई करेंगे, थोड़ा सा सफाई करने के बाद हम इसको सीमोस सेल जो है ये रखा था ये डाल देता हूँ मैं, सीमोस सेल डाल दिया, ये सफाई कर दिया, देखो अभी पूरा क्लीन हो गया जगह। ऐसे क्लीन करके डिलीवरी करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर शोल्डरिंग किया, ऐसे ही डिलीवरी कर दिया तो देखने में गंदा लगता है, खराब लगेगा। तो अभी देखो ये हमने पावर दिया और ये डिबग कार्ड लगाते हैं, बाद में वो लगा के देखेंगे। तो ये देखो अभी ये लगा दिया, और ये बोर्ड को हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं स्टैंड को ताकि दिखे। ये देखो अभी बोर्ड को मैं टिगर दे रहा हूँ, आवाज़ को फॉलो करो। ये पावर दिया, पीएस ऑन आ गया डिबग कार्ड पे, देखो 3 वोल्ट स्टैंड बाय आ गया, अब टिगर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑफ हो गया एक बार, बायस किया मैंने तो फिर से स्टार्ट होगा। अभी देखो बीप करेगा, देखो ये है ओरिजिनल डिस्प्ले आने का साउंड। तो अभी तो कीबोर्ड पे मैं ना दिखाऊं तो भी चलेगा, पर फिर भी एक बार देख लो। अब देखो ये जो लगा रहा हूं मैं, ये इंसर्ट कर दिया कीबोर्ड, देखो अभी देखो डिस्प्ले आ गया इसका।
ये देखो, और मॉनिटर पे भी आ गया है, देखने की जरूरत नहीं है फिर भी एक बार देख लो। ये देखो मॉनिटर पे भी आ गया है, अभी देखो बोर्ड बिंदास चल रहा है। तो और एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, ये कहाँ गया फोन पैनल, ये रिस्टार्ट कर दिया। अब देखो कोड चेंजेस हो गया, इधर डिस्प्ले चला गया है और आ जाएगा, ये देखो ठीक है, बीप दिया, डिस्प्ले आ गया। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, पहले फाइंड आउट करो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से बोर्ड को देखो, सोचो दिमाग से क्या है। अगर आपको स्केमेटिक रीड करना आता है तो देखो स्टेप बाय स्टेप, पर ये छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए स्केमेटिक पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक केस है, एकदम छोटा सा केस है, केस स्टडी है। ये अगर वीडियो मिल जाएगा तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना है। तो देखो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो करते जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।